गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बाइक की आज पेड सर्विस है और पेड सर्विस में जस्ट मुझे इंजन ऑयल चेंज करवा रहा हूँ और रियर ब्रेक पैड चेंज हो रहा है और ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है और चेन क्लीनिंग हो रही है। तो जस्ट एक नॉर्मल सर्विस है, कोई मेजर नहीं है। बट इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि नॉर्मल सर्विस में बाइक में क्या खर्चा आता है, कौन सा ऑयल हमको इसमें डालना चाहिए और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कौन सा ऑयल रिकमेंडेड है। ये जो आप ऑयल देख रहे हो ये मोतुल का है 15W50 विच इज़ रिकमेंडेड बाय TVS और इसकी जो परफॉर्मेंस है बाइक की इससे बहुत अच्छी आती है। सो दिस इज़ दी मोतुल 40 फोर स्ट्रोक इंजन ऑयल 15W50 है, रिकमेंडेड है और सिंथेटिक ऑयल है। करें अगर इसके इंजन की तो 1750 ml का इसमें इंजन ऑयल डलता है, बट ये जो कैन है ये 2.5 लीटर में अवेलेबल है और इससे छोटी जो आती है वो 1 लीटर में। तो 1 लीटर के या तो आप दो ले सकते हो या 2.5 का एक ले सकते हो, बाद में बचेगा तो नेक्स्ट टाइम काम आए। तो अभी इसमें एक छोटा सा लोचा हो गया, ये वाला जो इंडिकेटर है ये ना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर ब्लिंक नहीं कर रहा। तो अभी मैंने इनसे पूछा कि ये कितने का है, वो बोल रहे हैं कि 1100 रुपये का इंडिकेटर है ये छोटा सा, नेक्स्ट टाइम डलवाएंगे। अभी तो ऐसे ही चलना, तो लेट इट बी। तो बाइक में अभी तक हो गया है कूलेंट टॉपअप, इंजन ऑयल चेंज हो गया, कूलेंट चेंज हो गया, ब्रेक ऑयल डल गया, इसमें डले हैं रियर ब्रेक पैड, इसमें एक डला है, इसमें एक ऑयल फिल्टर डला है और इसमें इंजन ऑयल डला है। इंजन ऑयल में अपना खुद लेके गया था मोतुल का 15W50 लेके गया था, वो मुझे समवेयर अराउंड 600 rupees का मुझे वो पड़ा था और अगर मैं उसको सर्विस सेंटर में करवाऊंगा तो उसमें वो एज यूजल ज़्यादा ही लेते हैं उसका चार्ज। तो मैंने बाहर से लिया, डलवा लिया, मोतुल का बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है बाइक की, मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ। उसके बाद कूलेंट टॉपअप हुआ है, ब्रेक ऑयल टॉपअप हुआ है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें करने के बाद जो मेरा बिल आया था 1713 rupees का ये बिल आया, आप देख सकते हैं, प्लस 600, तो 2300 rupees में मेरी बाइक जो है सर्विस हो चुकी है, पेड सर्विस बता रहा हूँ इस बाइक की। अगर कोई इसमें मेजर खर्चा आता है तो वो एक सेपरेट है, बट एक पेड सर्विस अगर आप अपनी बाइक को टाइमली सर्विस करा रहे हो तो 2300, 2500, 2600 में अगर आपकी अंडर 3000 rupees में आपकी सर्विस हो रही है तो मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया कोई बाइक आपको मिल सकती। तो हमारे पास TVS की वर्कशॉप में एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक खड़ी है। क्या नाम है उसका? TVS जुपिटर के नाम से बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक है। चलो भाइयों स्टार्ट करो, एक मिनट रुको, 1 2 3 कर। स्कूटी में ना
स्कूटी की डिग्गी में एक स्पीकर फिट कर रखा है और उस स्पीकर का साइलेंसर बूस्टर से उसका कनेक्शन किया हुआ है और सर आपने सुनी ली है कैसी साउंड है और क्या है नया डिपर साउंड से और बोले जिससे भी कनेक्शन किया है भाई बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है और बड़ी फाड़ू आवाज है। सो बाइक की सर्विस अगर मैं टाइम टू टाइम कराऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरी 5000 किलोमीटर्स पे मैं इसकी सर्विस करा लेता हूँ। अभी मैंने 28000 से सर्विस कराई है तो नेक्स्ट सर्विस मेरी 33000 पे होगी। तो ऐसे ही करते रहो, नॉर्मल इंटरवल पे सर्विस कराते रहो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को क्लोज। आपका चैनल है, कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कभी वीडियोज देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। बाय बाय। तो अपनी रेड चिली जो है वो कपड़े पहन के कुछ ऐसी लगती है और अगर इसके कपड़े उतार दो तो ये ऐसी लगती है। ये नंगी खड़ी मत करो, यहाँ पे नज़र लग जाएगी इसको।